नमस्कार जोहार, डिजिटल फोकस चैनल में आप सभी का स्वागत है। छठ महापर्व का आज महाप्रसाद ग्रहण करने का दिन है और भगवान भास्कर को पूजा करने के लिए लोग अपने अपने स्तर से छठ महापर्व मनाने की तैयारी में पूरे विधि विधान के साथ जुटे हुए हैं। इस समय हम लोग कोलबेंदी पंचायत में हैं, जो जिला परिषद संख्या 25 से आता है। कोलबेंदी पंचायत में इस क्षेत्र के युवा समाज सेवी सूरज दास, उनके परिवार से जुड़ी हुई प्रिया कुमारी जिला परिषद संख्या 25 से जिला परिषद का चुनाव लड़ने जा रही हैं, और इस समय ये दोनों और उनके परिवार के सदस्य हमारे साथ हैं। आइए इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं जिला परिषद संख्या 25 को लेकर इन लोगों के बीच ये क्या कुछ मैसेज देने जा रहे हैं, और जिला परिषद संख्या 25 के सभी पंचायतों में, सभी गाँव में कैसे जनसंपर्क के माध्यम से लोगों को सेतु बनाने का काम करेंगे, लोगों से जुड़ेंगे और लोगों की समस्याओं को दूर करने का काम करेंगे। प्रिया जी, आपका स्वागत है। आप महिला हैं, और सबसे बड़ी बात कहा जाता है कि जब कोई भी घर परिवार की समस्या आती है तो उसको सबसे अच्छा से महिला हैंडल करती है। अब पूरे जिला परिषद की जिम्मेदारी आप पर आ गई है, गाँव के लोग भी चाह तो की समस्या तोरा कहो तुम तो एखन तो है गेले कोलबेंदी बुढ़िया, और अलग अलग पंचायत जा तो की कहो तुम लोग की समस्या बता तुम की काम तो है ना देखे पाओ जैसा राशन कार्ड की कहो तुम। किसी का कॉलोनी घर नहीं आ रहा है, किसी का पेंशन रुका हुआ है, किसी तरह का समस्या सुनने को मिल रहा है। तो है जखन अपन जिला परिषद क्षेत्र जाएगा तो अपन भाषा लोग बात करो, चाहे माए हो, बहन हो, या जो भी अपन गांव का रिलेशन हो और आधार है तुम्हें तो बात करिया। तो जो बुजुर्ग महिला हमारा जो बड़ो उम्र के महिला उनका सबसे ज़्यादा की समस्या को होती, से वृद्धावस्था पेंशन एक बात हो। हाँ। की को होती जैसे कि बोलते हैं पेंशन नहीं हो रहा हम लोग का पास, क्या हाँ। कर रहे हैं क्या नहीं, कुछ हाँ। अच्छा। समस्या का अधिकारी वही जहाँ तो अधिकारी की कहो तो वही बोलते हैं कि हाँ हम लोग कोशिश करेंगे। अच्छा, ऐसे ही आप लोग सहयोग बनाइए रखिए। हाँ। हम लोग कोशिश करेंगे तो कोशिश करेंगे मैंने अधिकारी कहो तो कि आप जो समस्या लेके आया तोरा जो समस्या लेके गाँव के लेके जा तो ओकर हल होते। हाँ। समस्या के समाधान होते। तो इन्हीं प्रिया कुमारी लागत जो जिला परिषद संख्या 25 से जिला परिषद का चुनाव लड़ने जा रही है, गांव की महिला है, खोरठा वासी है और पहली बार कैमरे के सामने आ रही है, इसलिए थोड़ा झिझक हो रहा है, लेकिन इन्होंने साफ साफ बता दिया है कि ये जिला परिषद संख्या 25 के सभी पंचायत के लोगों के सेवा के लिए मैदान में आई है और इनका परिवार से सभी लोग वाकिफ है, पूरे तरीके से वाकिफ है, और ये लोगों की सेवा करेंगी, लोगों के साथ सिर्फ चुनाव तक ही नहीं रहेंगी, जीवन पर्यंत, क्योंकि इसी गांव की रहने वाली है, इसी जिला परिषद क्षेत्र की रहने वाली है, तो रात दिन कभी भी लोगों की कोई समस्या होगी ये और इनका परिवार उनके लिए हमेशा साथ रहेगा। इसी क्रम में हमारे साथ हमारे इस कार्यक्रम में युवा जो समाज सेवी हैं और जिला परिषद संख्या 25 से जो प्रिया कुमारी है उनके साथ उनके प्रतिनिधि के रूप में सूरज दास जी हैं, इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं। सूरज जी, पढ़ लिख कर गाँव आए हैं, गांव की समस्या आप देख रहे हैं, गांव की समस्या आपके पास भी भली भांति आप आए होंगे इस रोड में, आप देख चुके होंगे हमारे यहाँ कितने मतलब टूटे फूटे घर हैं। हाँ। ना यहाँ मतलब इसको आगे बढ़ाने के लिए ना हमारे यहाँ अधिकारी के पास इसका कोई क्लेम कर पा रहे हैं, हमारे जो जनप्रतिनिधि अभी तक बने हुए हैं इन लोगों ने कुछ अब कर रहे हैं। आप देख रहे हैं हमेशा टूटा फूटा इंदिरा आवास पेंशन के लिए आप किसी से बात कीजिए बोलता क्या होता कहाँ पेंशन क्या हो रहा है, उनको कुछ पता नहीं, पेंशन के नाम पे भी पैसा वैसा सब कुछ अभी चल रहा है, आप देख ही रहे होंगे। हाँ, समस्या तो है गाँव में। जिसके जो अलग अलग पंचायत है मैं आपको देखता हूँ कि आप इनका संदेश लेकर जा रहे हैं लोगों के बीच, अपने उद्देश्य को रख रहे हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, आपका आशीर्वाद होगा, गांव के लोगों का आदेश होगा, तो क्या तो क्या समस्या बता रहे हैं कोलबेंदी छोड़कर दूसरे पंचायत में? आपको हर समस्या में यही बता रहे हैं कि देखिए जैसे कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं सिर्फ चुनाव के वक्त दिखते हैं, उसके बाद दिखाई नहीं देते। वो बोल रहे हैं कि देखिए आप आ रहे हैं युवा लड़का हैं, हम ये जाते हैं
कि आप हमेशा हमारे साथ जुड़े, आप हमारे घर के व्यक्ति हैं, आपको हम लोग उम्मीदवार बना रहे हैं। हम तो अपने से उम्मीदवार बन नहीं रहे, हमारे जो क्षेत्र के पंचायत, जिला पंचायत के 8 क्षेत्र के जो हमारे व्यक्ति हुए हम लोग हैं, उन लोग हमको बना रहे हैं, उन लोग का समर्थन है, प्यार है, फोन कर रहे हैं, हमारे पास आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप आइए और अपना क्षेत्र को संभालिए। चुनाव जैसे आते हैं, वोट लेते हैं, जो भी होता है चुनाव का, तो पहले होते हार या जीत होता है, हार हो या जीत हो अपने जाकर अपने घर में चले जाते हैं, उनका बात को समस्या को उच्च अधिकारी तक नहीं पहुंचाते हैं और समस्या जस तक तस रह जाता है, ये तो आगे नहीं बढ़ पाता है। इस बार समस्या का समाधान करने के लिए सूरज दास जी अपनी पत्नी प्रिया कुमारी को आगे लाए हैं और लोगों की समस्या दूर होगी, ये सूरज दास का वादा है। वादा ये मेरे लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा, उनके लिए काम करने के लिए पढ़ लिख कर अपनी बड़ी समस्या और बड़ी चीजों को, बड़ी उद्देश्यों को छोड़कर गांव के बीच, गांव के लोगों के बीच आए हैं। 8 पंचायत के बीच सूरज दास अपनी पत्नी को लेकर जा रहे हैं और गांव के लोगों का अगर आशीर्वाद मिला तो सूरज दास का साफ साफ कहना है कि उनके साथ उनकी पत्नी, उनका पूरा परिवार, उनके माता पिता, उनके बहन सभी मिलकर ये जो जिला परिषद संख्या 25 है, यहाँ के लोगों की समस्या को अधिकारियों तक ले जाएंगे और अधिकारियों को गांव में लाएंगे और गांव की समस्या अधिकारियों को दिखाते हुए उसको दूर करने का काम करेंगे। डी फोकस लगातार आपको क्षेत्र की समस्याओं से, क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से, युवाओं से इसी तरह मिलाने का काम करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। आप हमारे सोशल साइट से भी इन समस्याओं को लेकर और जनप्रतिनिधियों की बातों से जानने के लिए, जनप्रतिनिधियों से जुड़ने के लिए जुड़ सकते हैं। कैमरा पर्सन रसिक राय के साथ मैं राम नारायण शर्मा, कोलबेंदी पंचायत।